हाँ, सुबह हो चुकी है और संडे की सुबह की बात ही कुछ अलग है भाई। हर चीज से छुट्टी होती है और एकदम मजा आ जाता है। ये क्या है पीछे मेरे? पता नहीं, एक सेकेंड, वेट, व्हाट? क्या है ये? सुबह सुबह वो भी? ये तो प्लेन लग रहा है कोई। अबे प्लेन लग क्या रहा है? ये प्लेन ही है। अबे लेकिन ये प्लेन कहाँ से आ गया मेरे घर पे? ओ भाई, ये तो टूट फूट गया है यार पूरा घर ही। शीशे वीशे सब टूट फूट गए हैं यार। इधर इतने बड़े बड़े पत्थर भी टूट टूट के गिर गए अपने घर में से। प्लेन का एक विंग ये रहा, दूसरा विंग कहाँ है? पता नहीं दूसरा विंग कहाँ है। बट ये क्या सीन है यार, ये प्लेन कैसे आ गया सुबह सुबह? पायलट सो रहा था क्या भाई? ऐसे कैसे हमारे घर पे कोई प्लेन आके गिर सकता है? चौप भाई, क्या ड्रामा हुआ ये? भाई यार, कल हुआ यार, क्या हो गया भाई? यार क्या क्या हुआ ये? पूरा विंग यहाँ पर, ये पूरा प्लेन कैसे टकरा गया? अबे यार, वो मैं प्लेन मतलब, अबे वो मैं प्लेन बना रहा था यार। तू प्लेन बना रहा था? अबे हाँ यार, क्या बकवास कर रहा है तू? अबे ये अपने मैजिकल पेंटिंग पैड पे प्लेन बना रहा था मैं, और कल हुआ मैं ये भूल गया कि प्लेन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से प्लेन हमारे घर की छत पे ही आ गया। हाँ भाई, बनाते ही पूरा प्लेन हमारे घर की छत पे ही आ गया और ब्लास्ट हो गया प्लेन, और घर का ये हाल हो गया है। इसके व्हील वगैरह ये देखो भाई, सब कुछ टूट फूट के यहीं पर गिर चुके हैं। प्लेन का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, और प्लेन के बुरे हाल से ज़्यादा बुरे हाल गाइस हमारे घर के हैं इस वक्त। लिटरली में घर का क्या हाल हो गया, ये सब कुछ टूट फूट गया है यार। भैया कलुआ यार, टेंशन मत ले, हम लोग साफ कर देंगे मिलके। क्या मिलके साफ कर देंगे भाई? क्या जरूरत है प्लेन लाने की? पर मैं क्या करूँ भाई, अब जल्दी से इरेज कर इसे। वो एक्चुअली में मैंने इरेज कर दिया, लेकिन इरेज नहीं हो रहा यार। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, मैजिकल पेंटिंग पैड से तो ये प्लेन कब का इरेज कर दिया है, लेकिन ये प्लेन जा ही नहीं रहा। अच्छा, अब पता नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। शायद हो सकता है इस वजह से, क्योंकि जब ये प्लेन लाया था उस टाइम ये प्लेन पूरा ठीक था, अब ब्लास्ट हो गया ये प्लेन तो मैजिकल पेंटिंग पैड से तो अलग ही हो गया ना भाई ये प्लेन। शायद इसी वजह से इरेज नहीं हो पाया वो, क्योंकि पेंटिंग में बढ़िया प्लेन बना हुआ है और यहाँ पर टूटा फूटा प्लेन है, इसीलिए मे बी इरेज नहीं हुआ वो, यही रीजन हो सकता है। भाई यार कल आप जो भी हो भाई से हटाना पड़ेगा। लेकिन इसको हम लोग हटाएंगे कैसे भाई? छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है ये, पेपर प्लेन थोड़ी ना है कि उठा के फेंक देंगे। ये पत्थर वगैरह तो चल हट भी जाएंगे, लेकिन ये प्लेन कैसे हटेगा? रुको 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 रुको, मैं एक क्रेन लेकर आता हूँ। क्रेन कहाँ से मेरे पास जुगाड़ हो पाएगा, एक बुलडोजर लेकर आता हूँ, देखते हैं उससे कुछ कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। बड़ी मुश्किल से बुलडोजर लेकर आया हूँ मैं। चलो इससे ट्राई करते हैं प्लेन को ठीक करने का, मतलब ठीक क्या, प्लेन को अपने घर के सामने से हटाने का। भाई कल वे कर कर भाई, ट्राई कर फटाफट। कर रहा हूँ, रुक जा यार। ओके, ओ भाई यार, प्लेन के सामने ज़रा इसकी हाइट तो देखो, इसका साइज़ तो देखो ज़रा। प्लेन के सामने लग रहा है भाई ये प्लेन उठा लेगा, वक्त तो नहीं रहा भाई किसी भी कीमत पे। ओके, लेट मी ट्राई। ओ चल हट जा यार प्लेन, और हिल डुल भी नहीं रहा है प्लेन, और हिलने डुलने की तो बात छोड़ो, ये बुलडोजर ही ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। चढ़ जा भाई, चढ़ जा। ये तो जैसे तैसे चढ़ के आ गया इधर, लेकिन प्लेन नहीं हटेगा यार। मैं कल हुआ पहले विंग तो हटाने की कोशिश कर। चल ठीक है, विंग हटाते हैं। ओके, नहीं भाई विंग पे भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। ओके कम ऑन, हट जा विंग एटलीस्ट। अरे कुछ नहीं हो रहा यार, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करें अब। बैक तलवे पूरी जान लगा दे इस बुलडोजर की। ओके कम ऑन फुल स्पीड। ओए ओए, हिला हिला डुला ये, फाइनली ये विंग जो है हिल डुल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा मैं। ओके, उठा लिया मैंने इसे, नाइस। पता नहीं कैसे बट उठा तो लिया है मैंने उसे, अब वो तो हवा में ही रह गया यार। ओए 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 विंग भाई, ब्रो उधर हो जा साइड में तू। भाई यार तू हटा रहा है उसे, वापस घर पे ही ला रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है यार। चौप तू अभी शांत हो जा। लाल गाइस, ये विंग थोड़ा बहुत अपनी जगह से तो हिला है, लेकिन फिर से वो अपनी जगह पे ही आ गया है। अबे यार क्या करूँ मैं, अबे एक साइड से धक्का दे इसे तू। एक साइड से धक्का दूँ? ठीक है चलो, इधर से धक्का देते हैं गाइस, रुक जाओ, इस साइड से इसे पुश करते हैं। ओके नाइस नाइस, वो अपने आप ही फिसलते हुए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। बढ़िया बढ़िया, चलो भाई
घर के आगे से जैसे तैसे करके एटलीस्ट हम लोगों ने एक प्लेन का विंग तो हटाया, प्लेन का विंग तो हटा दिया, बहुत ही एपिक। किसी दूसरे के घर पे फेंक देते हैं इसे। चलो भाई इधर छोड़ देते हैं। चलो चलो चलो, हो गया काम। बै प्लेन तो हटा, अब वो पता नहीं कैसे हटेगा। रुक जा, कोशिश करता हूँ मैं, शायद ये भी हटा दूँ मैं। या लेट्स गो। नहीं भाई, वो तो हिल डुल भी नहीं रहा है। बै यार, विंग भी नहीं हिल डुल रहा था, लेकिन हटा दिया ना तूने, फिर से ट्राई कर। ओके, पूरी जान लगा के भाई, नहीं हो रहा कुछ भी, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी। यार तल यार, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अबे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा भाई, क्या है तो रहा। लो भाई, प्लेन तो हिला डुला नहीं। एक ये बुलडोजर वैसे ही फूक गया भाई, अब क्या करें भाई। बा यार कलवे, अब तो घर को ठीक कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है मेरे को। और मान लो जैसे तैसे करके भाई ये प्लेन हटा भी दिया, तो फिर ये बड़े बड़े पत्थर कैसे हटेंगे भाई। बहुत मुश्किल होने वाला है घर को साफ करना, तो अब करें क्या कलवे। मैं तो कह रहा हूँ यार, एक नया घर बना लेते हैं। एक नया घर? यस भाई, एक मस्त सा नया घर बना लेते हैं और फिर वहीं पर चलते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। हाँ ये भी ठीक है, लेट्स गो, बनाते हैं अभी के अभी एक ब्रांड न्यू घर। लेकिन किधर बनाया भाई? एक काम करते हैं ना भाई, अमीरों के मोहल्ले में बना लेते हैं, उधर ही जाके बस जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर ये सब कुछ ठीक करवाने के लिए दे देंगे भाई किसी को। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाएंगे। ठीक है यार कलियो, बना तू, अमीरों के मोहल्ले में बना एक बेहतरीन सा घर। लेट्स गो गाइस, बनाते हैं एक ब्यूटीफुल न्यू हाउस। कैसा कैसा घर आखिरकार चाहिए भाई चौप तुझे? बै यार मेरे को तो भाई एकदम बड़ा सा घर चाहिए, जिसमें बड़ा सा गार्डन हो, पीछे बड़ा सा स्विमिंग पूल हो। ओके गॉट दिस, ऐसा ही घर बनाते हैं। चल हम लोग इस बार हम लोग आलिशान सा एक बंगलो टाइप का घर बनाते हैं, जो बिल्कुल ही अलग होगा। वरना हम लोग ऐसे हमेशा ये मॉडर्न मैंशन ही बनाते रहते हैं, इस बार एक बंगलो बनाते हैं, वो भी अमीरों के मोहल्ले में। चलो भाई मज़ा आ जाएगा सीरियसली में। चल भाई कलवे जल्दी बना जल्दी। हाँ हाँ बना रहा हूँ भाई चॉप। एक तो वैसे ही तूने घर तोड़ दिया ये वाला, और ऊपर से जल्दी बनाने को कह रहा है। अबे यार अब गलती से टूट गया तो मैं क्या करूँ। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल बन रहा है एक बहुत ही ज़्यादा अमीर वाला बंगलो, और देखते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन हम लोग बना सकते हैं। कोशिश पूरी रहने वाली है कि एकदम तगड़ा बनाऊँ मैं, लेकिन यू नो मेरी ड्राइंग तो तुम लोग जानते ही हो भाई। चल बे देर से भाई, आप तो मेरी ड्राइंग है। ओहो पहली बार खुद एक्सेप्ट कर रहा है ये, कभी कभी असलियत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए भाई कलवे। आज तो भाई चौप एकदम अलग ही बातें कर रहा है, घर तोड़ के तो ये सब बातें बोलेगा ही ये। और यहाँ पे फिलहाल इस तरीके से एक विंडो टाइप का डोर डाल देते हैं, जो पीछे स्विमिंग पूल की तरफ खुलेगा। ओके नाइस, और यहाँ पे डोर हो जाएगा मस्त एकदम, लेट्स गो। इसके अलावा इधर इस तरीके के तीन दरवाजे होने चाहिए। भाई कलवे ये क्या है बे? भाई दरवाजे हैं भाई अलग अलग, ऊपर से ऐसा रहेगा ये। ये तो पुरानी हवेली जैसा लग रहा है कुछ, जो भी है ठीक लग रहा है, अभी तो चुप हो जा। फिर इस तरीके से इधर आइस, ठीक है गाइस, लेट्स गो विद दिस, देखते हैं कैसा लगता है ये सीन। आइस ठीक ही लग रहा है, अब तो जब ये रियल में बन के आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल ऐसा कुछ तो कलर वॉल्स पे, यहाँ पे कुछ ऐसा डार्क ग्रे टाइप का कलर कर देते हैं, इधर लाइट ग्रे, और ये टॉप वाला पार्ट कुछ ऐसा 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 नाइस, और फिर ये वाला पार्ट वाइट ही रहने देते हैं, वाइट ही ठीक लग रहा है। इधर दो खिड़कियाँ हो जाएंगी भाई, और फिर यहाँ पे एक चिमनी टाइप का इलाका हो जाएगा। लेट्स गो, बैक कलर ठीक लग रहा है ये तो। अब बनाते हैं भाई एक स्विमिंग पूल, इधर हो जाएगा अपना एक आलीशान सा बड़ा सा स्विमिंग पूल, नाइस। अबे ये कैसे पानी हो गया, हाँ अब ठीक है। इसके अलावा आई गेस इधर हरियाली वरियाली ठीक रहेगी भाई, ग्रीनरी जितनी रहे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना घर तो अपना ये वाला भी बढ़िया है, बस यहाँ पे हरियाली कम है थोड़ी सी। ओके फटाफट से अब इस वाले घर को लेकर आते हैं गाइस रियल लाइफ में, और फिर चलते हैं, लेट्स गो। 3, 2, 1 ओके चल भाई चौप। भाई यार पैदल जाना पड़ेगा, अरे गाड़ी से चलते हैं, रुक जा गाड़ी निकालता हूँ मैं। चलो चलो फटाफट फटाफट लेट्स गो। ये रही अपनी मस्त वाली ऑडी, और फुल एकदम मैंने यार मस्त इसको कस्टमाइज करवा रखा है, इसलिए बढ़िया लग रही है अपनी ये पुरानी ऑडी भी। आ जा भाई चौप जल्दी बैठ।
चलो भाई जल्दी से अभी फटाफट निकलते हैं। वैसे गाइस तुम लोग बताओ यार, अपना ये वाला घर ज़्यादा बढ़िया है या फिर हम लोगों ने जो नया अभी ड्रॉ किया है वो वाला बढ़िया है? पहले तुम लोग वो नया वाला देख लो भाई, उसके बाद कमेंट में जाकर बताना कौन सा वाला घर ज़्यादा बेटर लगा तुम लोगों को। बाकी जल्दी चलते हैं भाई। सब क्या ऑडी चल रही है भाई ये वाली? बैक कर रहा है यार, तारीफ करते ही ठोक दी तूने गाड़ी। पता नहीं भाई, मैं भी नोटिस करता हूँ जब जब मैं तारीफ करता हूँ अपनी ड्राइविंग की, बर्बाद हो जाती है भाई ड्राइविंग मेरी और साथ में गाड़ी भी बर्बाद हो जाती है। लो अटक गई ये। बै यार कलवे तू क्या कर रहा है बे? सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके संभाल के लेके चलते हैं फटाफट। तो रास्ते में भाई अपनी ऑडी रिपेयर करवाते हुए आया हूँ मैं। वैसे रिपेयरिंग लायक थी नहीं है जब मैं घर से निकला था, एकदम मस्त थी ये गाड़ी, लेकिन ड्राइविंग मेरी भाई इतनी ओपी है ये कि हर गाड़ी को रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी जाती है। फिलहाल जो हम लोगों ने अपना घर बनाया था गाइस मैजिकल पेंटिंग पैड के अंदर, वो वाला घर इधर ही आ चुका है भाई, और इसी मोहल्ले में आ चुका है बल्कि। बैक कर बैक, कौन सा वाला है रे? वो घर है भाई चौप, ये वाला लग रहा है कुछ। हाँ यार सही लग रहा है घर तो। और ये गाड़ी तो मैंने ड्रॉ नहीं की थी, गाड़ी किसकी है ये? हेलो गाड़ी किसकी है भाई ये? मैं पता नहीं भाई, सीरियसली मैं भाई मैंने गाड़ी तो ड्रॉ भी नहीं की। और पीछे से अगर देखें इस घर को, मैंने एक्चुअली मैं इधर की साइड से ही ड्रॉ किया था, तभी तो देखो इधर की साइड ये स्विमिंग पूल है। और ये वो लुक है जो कि मैजिकल पेंटिंग पैड के अंदर मैंने ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली यही लुक ड्रॉ किया था। और देख सकते हो भाई चारों तरफ हरियाली जैसा कि मैंने ड्रॉ किया था, और इधर भी हरियाली हरियाली हर तरफ हरियाली। और साथ ही साथ यहाँ पर तीन दरवाजे अंदर जाने के, एक ये मेन डोर ग्लास वाला, ऊपर की तरफ चिमनी, और वो दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। क्या ही एपिक लग रहा है भाई अपना ये घर। और इधर बहुत ही एपिक स्विमिंग पूल जिसके अंदर पानी थोड़ा सा कम है। हेलो, अरे स्विमिंग पूल के अंदर मैं तैर नहीं पा रहा है यार। अबे इतना भी पानी नहीं है कि बंदा तैर सके। नहीं अब तैर पा रहा हूँ, तो पहले क्यों नहीं तैर पा रहा था? पहले दौड़ रहा था यार मैं इस स्विमिंग पूल के अंदर, देखो फिर से दौड़ने लग गया मैं। इसका अलग ही सीन है भाई स्विमिंग पूल का, इसके अंदर हम लोग सिंपली दौड़ भी सकते हैं और चाहें तो स्विमिंग भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। भाई ये देखो अब स्विमिंग कर रहा हूँ मैं, अलग ही सीन है भाई ये स्विमिंग पूल का। और ये है अपना तगड़ा सा आलीशान सा घर। बाकी तुम लोगों को अपने ये घर कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताना गाइज। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके आज नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।